Next. कलमा पढ़ो कलमा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कौन पढ़ेगा? أشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله رب العالمين. وضوء کے فرائض کتنے ہیں؟ وضوء میں فرض کتنے ہیں؟ आयतल कुर्सी को आयतल कुर्सी नहीं पढ़ा। हमारा दीन क्या है? दीन इस्लाम। दीन इस्लाम है ना? नहीं, हाँ दीन इस्लाम है हमारा। हमारे आका जो जहाँ का नाम मुबारक क्या है, हमारे जो सरकार मदीने वाले हैं उनका इसमें गिरामी, मतलब नाम मुबारक क्या है उनका, नाम मुबारक क्या है उनका, अल्लाह के रसूल का नाम मुबारक क्या है, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हाँ सरकारी दो मदीना उनको बोलते हैं, सरकारी दो जहाँ उनको बोलते हैं। और नमाज पढ़ते हो? सेवन में जाओगे? सिक्स में जा चुके हैं। उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम? इंग्लिश मीडियम। एक मिनट बेटा। एक सेकंड रुको। बैठ गए तो ना? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं समीर सैयद नजर इंडिया न्यूज में आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त मैं खड़ा हूँ कादर मुमरा के कादर पैलेस में, जहाँ पे रियाज चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से गरीब बच्चों में पढ़ने के लिए फ्री में बुक डोनेट किया जा रहा है। बता दें हमको कि ये रियाज चैरिटेबल ट्रस्ट एक बहुत ही माना जाना ट्रस्ट है, जिसने पूरे लॉकडाउन में और लॉकडाउन के बाद भी, लॉकडाउन 5 और लॉकडाउन 6 लगने के बाद तक जो है यहाँ पर राशन तकसीम किया गया और लोगों के घरों तक बने हुए खाने तक पहुँचाए गए। रियाज चैरिटेबल ट्रस्ट की जो टीम, माशाल्लाह पूरे लॉकडाउन में इन्होंने गंभीरतापूर्वक काम किया और लोगों को राशन और पानी दोनों ही पहुँचाया। मैं आपको ये भी बता दूँ कि इसी रियाज चैरिटेबल ट्रस्ट की जो टीम है, अभी कुछ दिनों से जो है गरीब बच्चों में किताबें और बहुत सी सारी चीज़ें जो है तकसीम कर रही है, कि बच्चे जो पढ़ने की ताकत नहीं रखते हैं, जिनके पास जो है पैसे नहीं है कि वो अपनी बुक खरीद सके, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के रियाज चैरिटेबल ट्रस्ट ने एक बार फिर ये मन बनाया है कि हम किसी गरीब बच्चों को जो है पढ़ाई से महरूम नहीं रखेंगे। इसलिए उन्होंने जो है किताबें, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर किताबें रखी हुई हैं, और ये सारी किताबें इन्होंने हर बिल्डिंगों में जा करके सर्वे किया है कि जहाँ पर ओल्ड बुक है वो इनके चैरिटेबल ट्रस्ट में ला करके दें, ताकि ये जिनके पास बुक नहीं उनको दे करके उनकी पढ़ाई को आगे बढ़ा सके। इन्हीं सब मकसद में हमारे साथ में जो है चैरिटेबल ट्रस्ट के मेंबर लोग खड़े हैं, जिनसे हम अभी बात करते हैं। भाई क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम फरीद है। फरीद भाई, जिस तरह से पूरे लॉकडाउन में रियाज चैरिटेबल ट्रस्ट ने बहुत सारे तारीफाना काम किए जी, लोगों तक अनाज तकसीम किया जी, लोगों तक जो है घर घर में जाकर के खाना बना हुआ खाना पहुंचाया जी, तो अभी जो आप लोग बुक वगैरह का वो कर रहे हो, डोनेट कर रहे हो, वो किस मकसद से कर रहे हो? तो मतलब ये मकसद हमारा ये है कि मतलब ये जो चार पाँच महीना जो लॉकडाउन चला है, इसमें कई ऐसे घर हैं जो हम लोगों ने सर्वे किए कि बहुत जिसमें हैसियत नहीं है लोगों की, कि मतलब अपने बच्चों को आगे पढ़ा भी ले, और ऐसे हमने कई घर भी देखे कि मतलब वो अपने बच्चों को बिठा भी दिए इस सिलसिले में कि मतलब भाई नहीं पढ़ा सकते। तो हम लोग ने वो देखते हुए ये सिलसिले को आगे बढ़ाया, अंजाम दिया कि मतलब अभी खाने का थोड़ा सा इधर करके हम लोगों ने ये किताबों का सिलसिला चालू किया है, कि मतलब हर बच्चा
पढ़ लेवे। इसमें कोई जाति वाति का मामला नहीं है, बस सिर्फ ये है कि बच्चा पढ़ लेवे, कोई इससे महरूम ना रह जावे पढ़ाई से। इसका तो रिकॉर्ड देखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हमारे पास अंदाज़ा बता दूँ तो कम से कम 350 आदमी अब तक के हमारे पास हो चुके हैं। अच्छा, ये जो किताबें हैं ये आप कहाँ से लेके आते हो? ये मतलब हम लोग हर घर का ऐसा सर्वे किया, हर कंपाउंड हर कॉम्प्लेक्स का ऐसा सर्वे किया हम लोगों ने, और उन लोगों को नीचे से मतलब एक उनके ट्रस्टी को मिल के हम लोगों ने ये अंजाम दिया है कि मतलब भाई अगर आपके बिल्डिंग में अगर ओल्ड बुक रियाज चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर अगर आप डोनेट कर दोगे तो किसी गरीब बच्चे के काम में आ जाएगी, तो हम लोग वहाँ से उठा के यहाँ पे दे रहे हैं।